नालागढ़ की पहाड़ी पंचायत मलोन में एक दर्जन के करीब लोगों ने बीपीएल सर्वे कराने वाली टीम पर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएल सर्वे करने वाली टीम द्वारा पात्र लोगों की अनदेखी की जा रही है और अपात्र लोगों को ज्यादा अंक देकर बीपीएल श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने इसकी शिकायत जिला न्यायाधीश सोलन से की है और दोबारा सर्वे करवाने की मांग की है। बीपीएल पात्र था ना जी, वो उन्होंने काट दिया और जो नहीं पात्र था जी वो उन्होंने रख लिया। जो हैंडीकैप्ट बंदा था ना जी वो भी उन्होंने काट दिया, उनके अंक ज़्यादा दे दिए और जड़ा जो उसके पास 25 बीघे जगह है उसके भी अंक कम लगा दिए। जिसके पास 2.5 बीघे जगह है या 2 बीघे जगह है उसको भी ज़्यादा नंबर लगा दिए। अब ऐसा चाहते हैं या तो प्रग्राम पंचायत लाउन का दोबारा होना चाहिए या तो जड़े पात्र है वो आना चाहिए। हमारी ऐसी है कि प्रग्राम लाउन पंचायत से ये हमारे को जो सर्वा किया गया वो गलत किया गया। हमारा कच्चा मकान है जी और पक्के मकान वाला के अंक कम दिए गए जी, 5-6 कमरे वाले के है जी और हमारे पास बिल्कुल कच्चा मकान है, हमारे को ज़्यादा अंक दिए गए और इसलिए जो है हमारा दोबारा सर्वे किया जाए। ना टीवी, ना पंखा जी, ना फ्रिज, ना कुकर, ना हमारे पास वॉशिंग मशीन, कोई चीज़ नहीं हमारे पास। सर ऐसी है कि जो हमारा सर्वे किया गया बीपीएल का उसमें सर जो भी बीपीएल में आने योग्य पात्र थे उनको 30 और 35 अंक लगाए गए और जो ना आने योग्य थे उनको 1820 लगाए गए। और ये सेक्रेटरी और जब अपने प्रधान जी से पूछा गया कि तो उन्होंने अपना समस्या बताई कि हमारे को ऐसा ही इस चीज़ का ऑर्डर है और हम ऐसा करेंगे और उन्होंने सुना के बंद कर दिए। ठीक है जी, जाओ आप। कौन से गांव का मामला है ये? ये ग्राम पंचायत मलौन का मामला है सर। इस बारे में नालागढ़ विकास खंड अधिकारी राजेश्वर भाटिया ने कहा कि जो लोग बीपीएल के मापदंडों पर आएंगे उनका ही चयन किया जाएगा और अपात्र लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पात्र लोग होंगे वो ही बीपीएल की श्रेणी में आएंगे। एक सर्वे किया जा रहा है, इस सर्वे में जो भी सही होगा वही चयनित किया जाएगा और जो गलत होगा, जो अपात्र होगा इस बीपीएल के लिए उसे निकाला जाएगा। वैसे तो हम सबको यही चाहिए कि हम अपने आप को इतना सक्षम करें कि हमें बीपीएल में आने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आजकल कई लोगों ने इसे एक तरह से अपना व्यक्तिगत अधिकार ही मान लिया कि हमें बीपीएल में होना ही चाहिए। आए दिन देखता हूँ यहाँ पे कई लोग हमारे पास आके शिकायत लेते हैं कि जी हमारा नाम नहीं कटना चाहिए बीपीएल से और इसके लिए वो कई तरह के जो है हथकंडे भी अपना रहे हैं कि हमें बीपीएल से ना निकाला जाए। मैं तो लोगों से यही आह्वान करूंगा कि वे अपने आप को इतना सक्षम करें कि उन्हें सरकार की तरफ से जो बीपीएल योजना के तहत जो उन्हें सब्सिडी वगैरह जो दी जाती है उसे ना लेने की ज़रूरत पड़े, इतना उन्हें अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।